नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के रोहतक गैंगवार में जिस तरह से कल 3 लोगों की हत्या कर दी गई, 2 लोग घायल हैं। घायलों ने अब शिकायत दर्ज करवाई है और घायलों ने जो पुलिस को बताया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि घायलों ने पुलिस से अपने शिकायत में क्या कुछ कहा है और कैसे जब वो उस पल को याद करते हैं तो अभी भी पूरी तरह से सिहर जाते हैं। घायल व्यक्ति ने जो पुलिस को शिकायत दर्ज की है उन सब के आधार पर अगर बताने की कोशिश करें हम तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। और इस पूरे मामले में एक बात और का खुलासा हुआ है, अमन भैंसवाल नाम का कोई गैंगस्टर है जो इस पूरे मामले में, इसका भी नाम निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल अमन भैंसवाल ने ही सुनारिया जेल में गैंगस्टर राहुल बाबा के ऊपर हमला करवाया था चाकुओं से, और उसी के बदले की खातिर ये गैंग वॉर बताया जा रहा है। अमन भैंसवाल कौन है इसके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही राहुल बाबा को लेकर अभी एक बात कही जा रही है कि उसके खिलाफ FIR में उसका नाम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उसके जिम्मेदारी वाला पोस्ट भी निकल कर सामने आया है। तो इन सभी बातों को आपको बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूँ कि जो न्यूज़ मैं आपको सुनाता हूँ, जो खबर मैं आपको बताता हूँ, वो या तो मैं रिसर्च करता हूँ या फिर अपने सूत्रों से जानकारी हासिल करता हूँ या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर, अखबार, वेबसाइट, तमाम तरह की जानकारियाँ, यानी हमारे अलग अलग रिसोर्स होते हैं। हम किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधियों को ना तो बढ़ावा देते हैं ना ही समर्थन करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आप तक पहुँचाना है, जो हम पहुँचाते हैं। बहुत सारे लोग तमाम तरह के दावे करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उन लोगों पर ना जाते हुए सीधे हम खबर बताते हैं आपको आज की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 लोग इस गैंग वॉर में मारे गए हैं जबकि 2 लोग घायल हैं। इन घायलों में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, अमर उजाला की एक रिपोर्ट की अगर माने तो इनका नाम अनुज राणा बताया जा रहा है। और इन्होंने जो पुलिस को FIR दी है उसमें इन्होंने कहा है कि जब वो लोग शराब के ठेके के अंदर बैठे थे तो बदमाश अपनी 3 बाइकों से आते हैं और उन सभी 5 लोगों से कहते हैं सभी लोग नीचे बैठ जाएं अगर उनको उनकी जान प्यारी है तो। इतने में जो मेन शिकायतकर्ता हैं अनुज राणा, उनका कहना है कि जयदीप नाम का एक लड़का जो मारा गया है इस गैंगवॉर में, वो एक फोल्डिंग पर बैठा था और फोल्डिंग से वो नीचे गया और नीचे से वहाँ पर एक तखत पड़ा था और तखत के नीचे वो छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमलावरों ने तभी उसके सीने में गोली मार दी। विनय और अमित और उस जयदीप के सीने में गोली मार दी और तीनों लहूलुहान हालत में हो गए। बाकी 2 लोग और पूरी तरह से जो घायल हैं उनके बयान के हिसाब से ये बातें FIR में कही गई हैं। दरअसल UP के मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव नगला पिरौथा का रहने वाला है ये लड़का जो घायल हुआ है अरुण राणा। इसी ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि 5 साल से वो शराब के ठेके पर सेल्समैन है और बोहर के ही रहने वाले अमित, जिसका नाम प्लोटरा का भाई भी बताया गया जिनको, उन्हीं के पास ये ठेका था। और कहा जा रहा है कि पिछली बार मोनू ने जून 2024 में शराब का ठेका लिया था और ठेके के नज़दीक ही गांव का एक और लड़का है मोहित, वो नमकीन और कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर वहीं पर रखा हुआ है और वहीं पर वो दुकान करता है। उन्होंने FIR में कहा है कि बीरवार की रात करीब 9:30 बजे वो सीट पर बैठा हुआ था, तभी बोहर के रहने वाले शराब ठेकेदार अमित उर्फ मोनू, जयदीप और मनोज नगर स्त्री कॉलोनी के रहने वाले दीपक ठेके के अंदर पीछे बैठकर शराब पी रहे थे और थोड़ी देर के बाद बोहर गांव का एक लड़का विनय भी उनके पास आकर बैठ गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 3 लोग अंदर आते हैं और कहते हैं, हाथों में उनके पिस्तौल था, कहते हैं नीचे बैठ जाओ नहीं तो सब मारे जाओगे। इसके बाद तीनों युवक पीछे गए और गोलियां चलाने लगे। जयदीप पीछे से उठकर आया और उसके पास फोल्डिंग से नीचे निकल कर तखत पर आया, लेकिन तभी तीनों युवकों ने गोलियां चलाते हुए उनके पास आ गए और आते ही विनय को सीधे छाती में गोली मारी, फिर नीचे बैठ कर अनुज राणा और जयदीप पर गोलियां चलाई गईं। अनुज के बाएं पैरों में गोली लगी जबकि जयदीप को छाती में गोलियां मारी गईं। तीनों जो बदमाश थे वो ठेके के अंदर पीछे की तरफ दोबारा भी गए और उन्होंने दोबारा से वहां पर फायरिंग भी की और कुछ देर बाद गोलियां चलाते हुए मौके से फरार हो गए। और उनके जाने के बाद मोहित, उज्ज्वल, रविंद्र और दीपक ने मिलकर
इन घायलों को रोहतक के पीजीआई ट्रामा सेंटर में उन्हें दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने जयदीप, विनय, अमित उर्फ मोनू को मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना के बाद एसपी हिमांशु गर्ग और डीएसपी रजनेश कुमार और एफएसएल एक्सपर्ट की टीम डॉक्टर सरोज दहिया की टीम मौके पर पहुंची, और लेकिन घटनास्थल पर उस वक्त अंधेरा था जिसकी वजह से जांच पड़ताल नहीं हुई, और दोबारा आज एक बार फिर से वहां पर जांच पड़ताल की गई है। अब देखिए इस पूरे मामले में जो एसएचओ साहब हैं इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, उन्होंने कहा है कि घायल लड़के के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केस में फिलहाल राहुल उर्फ बाबा पर आरोप नहीं लगाया गया है, और अब पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये एसएचओ दिलबाग सिंह साफ तौर से मीडिया के समक्ष उन्होंने बयान रखा है, जो अमर उजाला की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। दोस्तों एक जानकारी और आ रही है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रोहतक के सुनारिया जेल में जो पिछले साल गैंगवॉर हुआ था वो अमन भैंसवाल ने करवाया था, और सूत्रों के मुताबिक अमन भैंसवाल ने गैंगस्टर राहुल बाबा के ऊपर चाकू और सुबह से हमला करवाया था, जिसमें कई चाकू उस वक्त गैंगस्टर राहुल बाबा को मारे गए थे। और अब ये जो कयासों का दौर है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि उसी गैंगवॉर का बदला लेने के लिए राहुल बाबा और उसके गैंग के लोग कई दिनों से इस बात की इस टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे थे, और आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हम अलग अलग रिपोर्ट देखें, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन FIR में गैंगस्टर राहुल बाबा का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। जो सोशल मीडिया पर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेता है उसका नाम FIR में नहीं है। प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक देश की सुरक्षा एजेंसियों के एक पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा और अमन भैंसवाल के बीच में आपसे रंजिश चल रही है। राहुल बाबा के ऊपर काला जछेड़ी और अनिल छेपी गैंगस्टर का हाथ है, जबकि अमन के ऊपर यानी अमन भैंसवाल के ऊपर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का हाथ है। अमन ने ही राहुल पर हरियाणा के सुनारिया जेल में जब जानलेवा हमला करवाया था उसके गुर्गों ने राहुल बाबा को काफ़ी चाकू मारे थे, लेकिन राहुल बच गया था और तब से वो बदले की फिराक में था। और आपको याद होगा अप्रैल 2024 के महीने में जब दिल्ली के ही मोहन गार्डन से कुछ बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी तो ये देखा गया था कि राहुल बाबा ने अप्रैल के महीने में गैंगस्टर काला जछेड़ी की शादी से 3 दिन पहले 5 शूटर जो भेजे थे वो अमन भैंसवाल की हत्या के लिए भेजे थे। बहरहाल इस पूरे मामले में तमाम तरह की थ्योरियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग दावे, लेकिन इस केस में एक मोटा मोटा बात समझने की अगर हम कोशिश करें तो अभी भी ये हम देखें सोशल मीडिया पोस्ट पर गैंगस्टर राहुल बाबा जिम्मेदारी लेता है, लेकिन FIR में जिस तरह से अमर उजाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि कहीं से भी राहुल बाबा का नाम नहीं है। पीड़ित व्यक्ति जो अभी हैं, जो घायल हैं, वो कह रहे हैं कि जब उस वक्त यह हादसा हुआ आज भी मतलब अब भी जब वो सोचते हैं उस वक्त को तो पूरी तरह से दहशत में भर जाते हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग उन सभी लोगों को मारने के लिए आए थे, बदले का खेल किस तरह से चल रहा है। फिलहाल दिल्ली और हरियाणा की पुलिस इस पूरे मामले में गैंगस्टरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले के जो मुख्य मुख्य शूटर हैं या इस पूरे वारदात की असली सच्चाई क्या है, वो कब तक बाहर निकल कर सामने आती है। बहरहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, हम आपको इस पूरे मामले में पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।